गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का और एक सेशन। डेट है आज 3 जुलाई और दोपहर के बज रहे हैं 1। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा हमने कहा था कि पूरा जुलाई और अगस्त सेशन हम कोशिश करेंगे आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से सिखाने की। उसी सीरीज के अंदर आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नाम है शेयर एकेडमी। बहुत तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। 6 मंथ्स हुए हैं सिर्फ चैनल को शुरू किए हुए और 2000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। साथ ही आप में से वो लोग जो चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स, शेयर अकेडमी मार्केट में चल रहे दूसरे चैनल से पूरी तरह से अलग है। हम यहाँ पर करते हैं शेयर्स को थॉरली एनालाइज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद खरीद की राय देते हैं लंबे समय के लिए, जिसमें कि मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, और मैक्सिमम पोजीशंस ईयरली बेसिस पर या फिर पोर्टफोलियो के लिए 3 से 5 साल तक के लिए शेयर्स आपको कौन से रखने चाहिए इस पर भी सलाह देते हैं। हम ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर हैं और मदद ढूंढ रहे हैं इस तरह की, तो ये चैनल आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। साथ ही अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर और वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ओके, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। और आज का जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, ये हमारी लर्न टू अर्न सीरीज का ही अगला वीडियो है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेशन है आज का। लास्ट जो हमने 16 सेशन दिया था वो था लोअर लो लोअर हाई। और फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली इस वीडियो को इसी जगह पॉज कीजिए। लर्न टू अर्न सीरीज को सही तरीके से समझने का तरीका यह है कि इसके जितने वीडियोज हैं इन्हें सीरियल से देखिए। हर वीडियो पर आपको एक सीरियल नंबर मिल जाएगा, नंबर 1 से शुरू कीजिए देखने के लिए। 3 से 4 घंटे के अंदर आप ये पूरी सीरीज खत्म कर सकते हैं देखकर, और तभी आपकी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच में से एक एक वीडियोज उठाएंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके, लास्ट वीडियो जो हमारा था फ्रेंड्स, वो था लोअर लो लोअर हाई सेशन का। इसका मतलब है कि वो शेयर्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए, या लोअर 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 हाई क्या होता है। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड्स, ये ठीक उसका उल्टा है, बिल्कुल उसका उल्टा है। टॉपिक है हमारा हायर हाईज एंड हायर लोज मार्केट के अंदर आखिर क्या होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएं हम फ्रेंड्स आपको कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम ये सिखाना चाहें आपको, सबसे आसान काम है टेक्निकल एनालिसिस सीखना। सिर्फ और सिर्फ 30 डेज चाहिए इसके लिए, और हर दिन करीब 1 घंटे का सेशन। और अगर आप बहुत ही अच्छे लर्नर हैं तो एक ही दिन में 24 घंटे अगर आप कॉन्टिन्यूसली अवेक रह सकते हैं, तो एक ही दिन के अंदर पूरा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स खत्म हो सकता है। बाकी का जो कुछ भी है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितना एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, और चार्ट्स आपको किस हद तक याद रहते हैं। ओके, टॉपिक है आज का हायर हाई हायर लो। इस पर्टिकुलर विषय के बारे में हमने इससे पहले भी आपके साथ में डिस्कशन कर रखा है, बट उसका नाम दूसरा था। उसका नाम था ट्रेंड एनालिसिस क्या है और ट्रेंड एनालिसिस का इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा बहुत याद होगा। आपको याद है हमने कहा था कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है और ट्रेंड का बेस्ट यूज कैसे करें। यह बाइबल है, टेक्निकल एनालिसिस का बाइबल है ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस आती है, तो 2 तरह के ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हायर हाईज हायर लो, वो बेसिकली और कुछ नहीं है, वो है अप ट्रेंड। अगर हम बिल्कुल लेमैन भाषा में आपको समझाएं तो एक अप ट्रेंड को हायर हाई या हायर लोज कहा जाता है। अब इस टर्म का इस्तेमाल क्यों होता है और इस टर्म का यूज है क्या चार्ट पर, वो आपको हम अभी बताएंगे। सिंपल इस चीज को समझिए कि ये एक टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा टफ बनाया गया है ताकि आम बोलचाल में आम लोगों को ये टर्म समझ में ना आए कि टेक्निकल एनालिस्ट किस बारे में बात कर रहे हैं। होता यह है कि किसी भी प्रोफेशन के जो कठिन शब्द हैं उन्हें इसलिए बनाया जाता है ताकि आम लोगों को ये चीज़ें समझ में ना आए, और जब आम लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो हमेशा उस जो फील्ड है उसके जो लोग हैं उनका अपर हैंड रहता है उसके ऊपर। ओके, सो शुरू करते हैं। सीधे सीधे चार्ट पर आपको ये बताना कि हायर हाइज और हायर लोज क्या है। जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, आप में से सभी को पता है, ये है ट्रेड टाइगर, वर्जन है 2.5, ठीक है, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। और जिस टाइप के चार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये है डेली का कैंडलस्टिक चार्ट। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है तो पिछले वीडियोस देख लीजिए, आपको क्लियर पता जाएगा। ओके, सो ध्यान से देखिए जरा हैवल्स के इस चार्ट को। ट्रेंड एनालिसिस अगर आप हैवल्स की करते हैं तो आपको क्लियर पता चलता है कि शेयर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हायर हाइज और हायर लो क्या है। तो जरा शेयर के हाइज देखना शुरू कीजिए, जब जब इस शेयर ने हैवल्स ने हाई बनाया है। ये आपको इसके हाइज दिख रहे हैं और ये हैं इसके लोज, ये हैवल्स के लोज हैं। अब जरा इस टर्म को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हायर हाईज यानी जो अगला हाई बन रहा है वो अपने पिछले हाई से हायर लेवल पर है, यानी ऊपर है,
ये अगला हाई जो है ये अपने पिछले हाई से ऊपर है, देन अगला हाई अपने पिछले हाई से ऊपर है, अगला हाई अपने पिछले हाई से ऊपर है। बीच बीच में कुछ हाईज ऐसे हैं जो छोटे बनते हैं, बट ये हाईज बेसिकली करेक्शंस होते हैं और इन करेक्शंस को हम अवॉइड करते हैं, इसलिए हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हुए हायर हाईज और हायर लोस प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए कि हर हाई अपने पिछले हाई से ऊपर बन रहा है। जब भी कभी भी आपको शेयर के अंदर ऐसा ट्रेंड दिखाई दे कि जब अपना अगला हाई अपने पिछले हाई से ऊपर बन रहा हो, इस तरह के चार्ट मार्केट के अंदर हमेशा खरीदारी करने वाले चार्ट होते हैं। एक दूसरा लोज, हर लो अपने पिछले लो से ऊपर बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोज हैं वो अपने पिछले लोज से ऊपर बनते जा रहे हैं, यानी कि हायर हाईज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। हायर हाई हायर लो का सिंपल इतना एक्सप्लेनेशन है, 5 मिनट में ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो सकती है, बट एक्सपीरियंस देना जरूरी है आपको, इसलिए हम आपको थोड़े से इनके एग्जांपल्स देंगे, उन एग्जांपल से आपको ये चीजें थोड़ी बेहतर समझ में आएंगी। ओके, सो अगर एक लाइन में बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताएं तो हायर हाईज और हायर लो का मतलब है कि कोई भी शेयर एक अपट्रेंड के अंदर है जिसमें वो लगातार हायर हाईज बनाता जा रहा है और लगातार हायर लोज बनाता जा रहा है। इसका मतलब है कि शेयर अपट्रेंड में है। तो अगर शेयर अपट्रेंड में है तो इसका करना क्या है? हमेशा मार्केट में आपको ऐसे ही शेयर्स खरीदने हैं जो हायर हाईज और हायर लोज बना रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म के अंदर हों। हमेशा मार्केट में हायर हाईज हायर लो वाले शेयर ही खरीदिए। क्वेश्चन, इसके कुछ और एग्जांपल्स बताइए। चलिए देख लेते हैं। HDFC, ध्यान से देखिएगा, हाईज देखते रहिए, हर हाई अपने पिछले हाई से ऊपर बन रहा है और लोज देखिए, हर लो अपने पिछले लो से ऊपर बन रहा है। ठीक, बाटा इंडिया सेम वही चीज है, हाई अपने पिछले हाई से ऊपर बन रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं। जितने भी नए हाईज बन रहे हैं ये सारे अपने पिछले हाई से ऊपर बन रहे हैं और लोज अपने पिछले लो से ऊपर बन रहा है, हर लो अपने पिछले लो से ऊपर बन रहा है, ये प्योर अप ट्रेंड का संकेत है। सेम यही चीज है बजाज फाइनेंस में, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, माफ कीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ट्रेंड हायर हाईज हायर लो का है तो हमको किस जगह खरीदना चाहिए, क्योंकि शेयर एकेडमी आमतौर पर कहती है कि आपको शेयर्स कब खरीदने चाहिए, जब अप ट्रेंड के बाद शेयर डाउन ट्रेंड में आए, कंसोलिडेट हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट हो। तो जरा अब हम क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हमने आपको बाइंग के रिकमेंडेशन दिए हैं, क्या हम उसमें हायर हाईज और हायर लो का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, या कि हम आपको बताने के लिए कुछ और बता रहे हैं और राय कुछ और देते हैं, यानी नॉलेज हम आपको कुछ और दे रहे हैं और रिकमेंडेशन कुछ और दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ धोखा कर रहे हैं। तो जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं उन सारी कॉल्स को, जिन कॉल्स को हमने आपको बाय करने के लिए दिया है। FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड बाय करने के लिए कहा है हमने आपको, ठीक है, ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद, कंसोलिडेशन जोन के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तब हमने कहा कि इसे बाय करना है। क्यों बाय करना है, जरा इसके शॉर्ट टर्म के हाईज देखना शुरू कीजिए और लोज, जो भी लोज है वो अपने पिछले लो से अप ट्रेंड में, जो भी हाई है वो पिछले हाई से अप ट्रेंड में। ठीक, क्यों हम मना करते हैं, आरकॉम को छोड़ दीजिए, आइडिया को लेते हैं, ठीक है, आरकॉम तो एकदम बिल्कुल गिरा हुआ, उसके बारे में तो सबको पता है। क्यों हम आइडिया को बाय करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि आइडिया डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई दिखा रहा है। नेक्स्ट IGL, लॉन्ग टर्म में हर बार का जो हाई है वो अपने पिछले हाई से अप ट्रेंड में है और हर बार का जो लो है वो अपने पिछले लो से अप ट्रेंड में है, इसीलिए कहा था खरीदने के लिए IGL, और जिस जगह पर IGL गिरना शुरू हुआ वहां पर हमने थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहा है कि करंट लेवल्स पर IGL को बाय नहीं करना है, थोड़े निचले लेवल्स का वेट करना है। हेक्साबेयर, क्यों कहा हमने कि जब ये धीरे धीरे ब्रेकआउट दिखाना शुरू कर रहा था तब क्यों हमने कहा कि हेक्साबेयर को कंसोलिडेशन जोन के अंदर खरीदना चाहिए, जरा हेक्साबेयर के लोअर लोज देखिए, कॉन्टिन्यूअसली लोअर लो अप ट्रेंड के अंदर हैं, हायर हाईज बहुत धीरे धीरे, जो हायर हाईज है ना ये बहुत धीरे धीरे बन रहे थे, बट लोअर लो हायर लोज तेजी से बन रहे हैं। ठीक, सेरा सिरेमिक, क्यों हम कह रहे हैं कि सेरा सिरेमिक में बाय करना चाहिए आपको और क्यों हमने सेरा सिरेमिक में बाय कर रखा है, जरा लोज को ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको
हायर लोज बन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और हाईज हायर हाईज बन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली. ये वजह है सेरा सिरेमिक में बाय करने की. इम्बी क्यों हम इम्बी को बाय करने के लिए कह रहे हैं? हाईज देखिए इसके कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है, लोज देखिए इसके कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है, और लास्ट दो और लास्ट आईसीआईसीआई प्रू क्यों हम कह रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू बाय करने के लिए. हाईज देखिए कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है, हायर हाईज लोअर लोज देखिए कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में. तो शेयर ऊपरी स्तरों से गिरा, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद हायर हाईज हायर लो बना रहा है, शेयर के अंदर बाय कर लेना है. बीईएल क्यों हम कह रहे हैं कि बाय करना चाहिए? डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन के बाद हाईज देखिए, जितने हाईज बन रहे हैं वो पिछले हाईज से अप ट्रेंड में. लोज देखिए, जितने लोज बन रहे हैं वो पिछले लोज से अप ट्रेंड के अंदर. सो यानी शेयर हायर हाईज और हायर लो के अंदर है, और जब भी कभी आपको इस तरह का ट्रेंड मिलता है तब शेयर के अंदर बाय करना है. कभी भी मार्केट में कमजोरी परचेज नहीं करनी है. अगर शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो बिल्कुल बाय नहीं करना है, सिर्फ वो शेयर्स परचेज करने हैं जो हायर हाईज और हायर लो बना रहे हैं. सो फ्रेंड, उम्मीद है कि जो हमारा सिखाने का मकसद था वो अचीव हुआ होगा. आपको पता चला होगा कि हायर हाईज और हायर लो क्या है. हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में कमजोरी कभी भी नहीं खरीदनी है, हमेशा मजबूती खरीदनी है, और मजबूती खरीदने के लिए आपको हमेशा हायर हाईज और हायर लोज को खरीदना ही चाहिए. ओके, और इसके अलावा जो इससे प्रीवियस हमारा वीडियो था उस तरह के जो ट्रेंड्स हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, लोअर 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 हाई. ओके, सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन है इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा. अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि वो कौन से शेयर हैं मार्केट में जो इस समय हायर हाईज और हायर लोज बना रहे हैं, जिनके अंदर निवेश करना चाहिए आपको, और आपके फेवरेट शेयर जो हायर हाईज और हायर लोज बना रहे हैं मार्केट में, उन्हें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए. फ्रेंड्स, अगर हमारे पास में 50 कमेंट्स आ जाते हैं तो हम लर्न टू अर्न सीरीज का अगला वीडियो लेकर जरूर आएंगे, जब तक कि 50 कमेंट्स कंप्लीट नहीं होते. अगर ये चैनल आपको आ रहा है पसंद फ्रेंड्स, और आपको लग रहा है कि शेयर एकेडमी थोड़ी बहुत भी मदद कर रहा है आपकी मार्केट के अंदर, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट सिर्फ तभी जब ये वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हो या फिर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हो. अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए. ध्यान रखिएगा कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए. हम बिल्कुल इंट्राडे को लर्न करते हैं और ऑप्शंस को भी स्टडी करते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस स्टडी करते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होती है. क्योंकि ध्यान रखिए मार्केट के अंदर बड़ा पैसा हमेशा लंबे समय तक निवेश करके ही बना है. ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स ने मार्केट में कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनाया है. करंट मार्केट के हालात जो हैं इसमें आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स ही परचेज करने चाहिए और अच्छे लेवल्स के पास में. तो अगर ये सेशन आपको आ रहा है पसंद तो फ्रेंड सेशन को लाइक कीजिए, और अब आपसे मुलाकात होगी आफ्टरनून के सेशन में जो कि होगा 2 बजे. तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और अगर आप चाहें हमारी मदद करना तो आप मदद कर सकते हैं. मन की बात सीरीज के जो हमारे वीडियोस हैं इस तरह के वीडियोस बनाइए अपने, और बताइए कि क्यों शेयर एकेडमी आपको पसंद है. आप अगर ऐसे वीडियोस बनाकर हमारे पास भेजेंगे तो आप जीत सकते हैं प्रीमियम मेंबरशिप जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की है. प्रीमियम मेंबरशिप जिसमें कि आपको हम बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है उसे मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव गिफ्ट शेयर्स होते हैं हमारे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स जो कि हम आपको इस प्रीमियम ग्रुप के अंदर देते हैं. अगर आप चाहते हैं प्रीमियम मेंबरशिप जीतना तो मन की बात सीरीज के वीडियोज बनाइए, वीडियोज हमारे मॉडरेटर्स के पास में भेज दीजिए, मॉडरेटर्स के नंबर आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, इन वीडियोज के एग्जांपल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे. और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर पेटीएम कीजिए, साथ ही आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी डोनेशन दे सकते हैं. फ्रेंड्स, अब आपसे मुलाकात होगी आफ्टरनून के सेशन में जो कि होगा 2 बजे से. तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए दैट मनी नेवर स्लीप्स. थैंक यू वेरी मच.